नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज़ लाइव। आइए नज़र डालते हैं आज की खास खबर पर। इस समय हम खड़े हैं वसई के मणिकपुर क्राइम ब्रांच के यहाँ। ये वही ब्रांच है जहां श्रद्धा वालकर मर्डर कांड को लेकर जो बड़े बड़े खुलासे हुए उसके सूत्रधार करने वाले यही ब्रांच है जहाँ से इस मामले को सबसे पहले सुमोटो लिया गया था। इस मामले में आज एक बड़ी अपडेट ये है कि दिल्ली पुलिस, जहाँ ये हत्या हुई है और जहाँ ये क्राइम हुआ है, तो दिल्ली पुलिस आज वसई आई थी और दिल्ली पुलिस के जांच अधिकारी वसई आए। उन्होंने यहाँ आकर श्रद्धा के करीबी दोस्त लक्ष्मण नाडर से काफ़ी देर पूछताछ की। सुबह 11 बजे के करीब दिल्ली पुलिस यहाँ एंटर हुई, जो अभी अभी कुछ ही समय पहले यहाँ से गई है। लक्ष्मण नाडर के साथ ही दिल्ली पुलिस ने श्रद्धा और उसका हत्यारा आफताब अमीन पुनावाला जिस फ्लैट में रहते थे किराए पर, उस फ्लैट के मकान मालिक को भी बुलाया, उससे भी पुलिस ने पूछताछ की। अभी अभी जब यहाँ से दिल्ली पुलिस के अधिकारी गए, उन्होंने मीडिया को काफ़ी कम समय में कुछ जानकारियाँ दी। वो आप आगे देखिए क्या कुछ उनका कहना है, और साथ ही साथ देखिए वह पल जब लक्ष्मण नाडर यहाँ से निकल गए। अभी के लिए इतना ही। वसई से यूसुफ अली। सर, आज आप लोगों ने क्या किया, सिर्फ ब्रीफ कर दीजिए, बस कोई सवाल नहीं। दो लोगों का बयान हुआ, एक का हुआ, सिर्फ ब्रीफ कर दीजिए। दूसरा कौन था? एक एक लाइन जवाब मत दीजिए सर, सुनिए ना, एक एक लाइन जवाब देंगे, बहुत सवाल आएंगे। आप एक साथ ब्रीफ कर दीजिए, आप खुद से ब्रीफ कर दीजिए, ब्रीफ कर दीजिए। चलो साइलेंट, एक साइलेंट। सर, किसका किसका बयान हुआ है आज? लक्ष्मण नाडर का। और किसका हुआ? हाउस ऑफ नाडर का। हाउस ऑफ नाडर जहाँ पे रहते थे। क्या नाम है उस व्यक्ति का, क्या नाम है जिसका आप लोगों ने किया है इन्वेस्टिगेशन? सर, और किसके बारे में? चार से पांच जगह पे रहते थे श्रद्धा और आफ्ताब, तो कौन सा हाउस ओनर का हुआ है? मैं बता देता हूँ, इन्वेस्टिगेशन जारी, बाद में बता देता हूँ। कुछ आपको लिस्ट मिले सर? लिस्ट मिला इसमें कुछ? मैं वो नहीं बोल रहा क्या मिले, लिस्ट कुछ मिले आपको लगता है? फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है सर। तो कुछ और लोगों से पूछताछ के लिए वाले, कुछ और लोग पूछताछ के लिए आने वाले? आप लोग कितने? सर, आप उस लोकेशन पर जाएंगे क्या जहाँ जहाँ पर लिविंग रिलेशनशिप में लोग रहे, क्योंकि उनके पास फर्जी एग्रीमेंट बनाया गया, पति पत्नी बताकर रहते थे, ऐसे बहुत सारी मिसलीडिंग चीजें हैं जो आप लोगों के केस में आगे काम आ सकती है। सर, वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन इसमें जारी है। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।